सिरफिरी नौकरानी का ये घिनौना खेल भोपाल के इस घर में कब से चल रहा था ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक दिन इसकी घिनौनी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। जब घरवालों ने इन तस्वीरों को देखा तो उनके होश उड़ गए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अब अपना घर नौकरों के भरोसे करने से पहले कई बार सोचेंगे। घर के मालिक मुकेश सूरी इंजीनियर कंसल्टेंसी का काम करते हैं। वो आए दिन काम के सिलसिले में घर के बाहर रहते हैं। घर के किचन में खाने पीने के सामान की चोरी की शिकायतों के बाद उन्होंने सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने अपनी आंखों से उसको चोरी करते हुए देखा। अब चूंकि औरत है, महिला है, अगर हम कुछ उसको बोलेंगे कि तुमने यहाँ सामान रखा, वहाँ सामान रखा, दिखाओ, तो हमारे ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं। इसका मैंने सीधा साधा इलाज ये सोचा कि हम सीसीटीवी के द्वारा इसको पकड़े। तो मैंने दो कैमरे किचन में, एक पोर्च में और एक मैंने डाइनिंग हॉल में लगवाया। एक कैमरा किचन में भी लगा था जिसमें कैद हुई सिरफिरी नौकरानी की घिनौनी करतूत, जिसे देखकर घर वालों के होश फाकता हो गए। चोरी के अलावा जो तांत्रिक क्रिया उसने करी है उसको आप सामने सामने देख सकते हैं। उसने ये किया है कि जैसे यूरिन जो है वो किचन में ही खड़े होकर किया है, खाना बनाते समय, ठीक है जी, जो फुटेज में आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और उसने आज ही के दिन में तीन बार, एक बार सुबह नाश्ते के समय, दो बार खाना बनाते समय किचन में ही खड़े होकर यूरिन किया है और पीने वाले पानी में मिलाया है। उसके बाद उसी से उसने चाय बनाई, उसी से उसने आटा गूंधा, उसी से उसने दाल बनाई है। जो बर्तन है वो झूठे उसने इस्तेमाल किए, खा खा के बीच में देखती रहती झूठा कर करके। ये सारी चीजें आपको सामने सामने मिलेंगी। हमने चोरी के उद्देश्य से लगाया था लेकिन ये भी चीज हमारे सामने पकड़ी। अब घर के मालिक ने नौकरानी की इस करतूत का मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया है। पहले तो पुलिस किताब खोलकर दिमाग लगाती रही कि पेशाब मिलाने के जुर्म में